तो भाई जेसीबी को चलाने के लिए मुझे जो है यहाँ पर फोर फिंगर का यूज करना होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो बहुत सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस जेसीबी का चीट कोड, क्योंकि गाइज देखो मैंने जो यहाँ पर स्पॉन करा लिया और भाई मैं इसको चला भी रहा हूँ। और गाइज यही नहीं गाइज, मुझे पता चल चुका है यहाँ पर बिग वाले एरोप्लेन का चीट कोड, देखो मैंने इसको भी जो है फ्लाई कर लिया है। और गाइज यही नहीं गाइज, देखो यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप का भी अपडेट आ चुका है। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को पूरी एंड तक वॉच करना, और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और गाइज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइट गाइज, आप सभी को बताया अपने गेम में जेसीबी ऐड हो चुकी है, देखो यहाँ पर मैंने स्पॉन करा दी है। तो चलो अब बात करते हैं इसका चीट कोड क्या है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जी हाँ गाइज, करके देखिए फ्री में हो जाएगा। तो गाइज आप लोग जो इतने ज़्यादा कॉमेंट करो भाई जेसीबी का कोड बता दीजिए, चलो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ जेसीबी का कोड क्या है। तो गाइज देखो जैसे भी मैंने स्पॉन करा दिया, बात करते हैं इसका चीट कोड क्या है। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लुक वाइज कैसी लगती है, मतलब देखने में कैसी लगती है अपनी जेसीबी। तो भाई साइड में से जो है अपनी जेसीबी कुछ ऐसी लग रही है, देखो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कैसी लग रही है। एंड भाई तो भाई देखो जो जेसीबी है वो कुछ अपनी ऐसी लग रही है। एंड भाई जो इसका आगे का ये है ना, ये पार्ट ही सच में बहुत ज्यादा हैवी है। एंड जो इसका पीछे का पार्ट है वो भी बहुत हैवी, जो ये आगे वाला पार्ट है आप लोग जो है इससे कोई भी व्हीकल को उठा सकते हो। देखो गाइस मैंने जो है पूरे सिटी में तबाही मचा दी, यहाँ पर देखो हॉर्स भी पड़ा है भाई नीचे, मैंने हॉर्स को भी उड़ा दिया था। एंड भाई जो अपनी जेसीबी क्रेन है ना गाइस देखो उसमें जो है कुछ इतना फ्यूल है। ये देखो गाइस इसमें जो है फ्यूल वाला अपडेट भी आ चुका है, मतलब फ्यूल मीटर भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो गाइस जेसीबी का चीट कोड बताने से पहले मैं आप लोग यहाँ पर बता देता हूँ आप लोग जो है इसमें पेट्रोल पंप का यूज कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है फ्यूल मीटर आ चुका है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ पेट्रोल पंप का अपडेट। ये देखो गाइस यहाँ पर मैं स्पॉन करा देता हूँ फायर ट्रक। तो गाइस इस फायर ट्रक को हम लेके चलते हैं कहाँ पर गाइस, पेट्रोल पंप पर, क्योंकि गाइस मुझे जो है इस फायर ट्रक में जो है पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि इसमें जो है गाइस पेट्रोल बहुत कम है। मैंने ओल्ड वाला यहाँ पर स्पॉन करा दिया, ये मैंने कैसे स्पॉन कराया ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप लोग वीडियो पूरी एंड तक वॉच कर लेते हो। तो क्योंकि गाइस अगर आप लोग यहाँ पर 606 डायल करते हो तो भाई आप लोगों के गेम में जो स्पॉन होता है वो होता है अपना न्यू वाला फायर ट्रक। लेकिन गाइस काफी लोगों को जो है ये वाला फायर ट्रक पसंद है, तो गाइस देखो मैंने यहाँ पर जो है ये वाला फायर ट्रक स्पॉन करा दिया है। एंड गाइस जो अपने फायर ट्रक है इसके अंदर जो है कुछ इतना फ्यूल है, तो गाइस इसके अंदर जो है काफी कम फ्यूल है। तो चलो गाइस डलवाते हैं पेट्रोल पंप से अपने इस फायर ट्रक में फ्यूल। एंड भाई फिर मैं आप लोगों को बताता हूं जेसीबी का कोड क्या है, और भाई आप लोग बिग एरोप्लेन को कैसे फ्लाई कर सकते हो। देखो गाइस ये रहा अपना कुछ पेट्रोल पंप। तो भाई इस वाले फायर ट्रक को जो है थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं एक काम करता हूं यहां पर जो एक बाइक को ले लेता हूं। तो बाइक लेता हूं मैं यहां पर 3000 वाली, जिससे स्पॉन होती है अपनी कावासाकी। तो मैं कावासाकी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो कावासाकी जो है इसमें कुछ इतना फ्यूल है, इसमें जो फुल है अपनी टंकी। तो यहाँ पर जो है गाइस यहाँ पर डलवाते हैं अपनी इस बाइक में जो है पेट्रोल। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो अपना पेट्रोल पंप है वो कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ आप लोग इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देखो गाइस यहाँ पर पहले कोई कस्टमर फ्यूल डलवा के गया है जो कि कुछ इतने का, जो भाई बहुत सारा फ्यूल डलवा के गया है यहाँ पर कोई कस्टमर। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ पहले मैं आप लोगों को बिग वाले एरोप्लेन को जो है फ्लाई करके दिखाऊँ। तो गाइस चलो चलते हैं हम कहाँ पर गाइस, सबसे पहले मैं चल रहा हूँ एयरपोर्ट पर, क्योंकि भाई पहले मैं आप लोग बिग वाले एयरप्लेन को जो है फ्लाई करके दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोग को बता दूंगा आप लोग जो है कैसे फ्यूल डलवा सकते हो कोई भी व्हीकल में। तो गाइस लैम्बोर्गिनी से चलते हैं एयरपोर्ट पर, फिर एयरपोर्ट पर क्या काम करते हैं उस बड़े वाले एयरप्लेन को फ्लाई करते हैं। एंड फिर मैं आप लोग को जेसीबी का कोड बता दूंगा, और फिर ये भी बता दूंगा आप लोग जो इस पेट्रोल पंप का यूज कैसे कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो मेरे में यहाँ पर फ्यूल मीटर आ चुका है जो अपनी लैम्बोर्गिनी है, इसमें कुछ इतना फ्यूल है। तो भाई एयरपोर्ट पर जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पुराने वाले घर पर आ जाना है जो अपना पुराने वाला घर है। अब क्या करना है गाइस, हमें यहाँ पर ही सीधा चलना है, या गाइस सीधा चलना होगा हमें क्योंकि एयरपोर्ट जो है बस आने ही वाली है। ओके तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट में, और देखो यहाँ पर जो है मुझे दो एरोप्लेन दिख चुके हैं बड़े वाले, और गाइस एक छोटा वाला भी दिख रहा है। छोटे वाले का आप सभी को बताया उसको तो हम आराम से फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो है हमें कंट्रोल देखने को मिल जाता है, उसके अंदर एंटर करने का जो ऑप्शन है ना वो एकदम आ जाता है। देखो अभी मैं आप लोग को ट्राई करके दिखाता हूँ। देखो गाइस मैं इसके पास आ चुका हूँ, और देखो यहाँ पर जो एकदम ऑप्शन आ चुका है इसके अंदर बैठने का। लेकिन गाइस हमें जो यहाँ पर एक बड़ा वाला एरोप्लेन भी दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम बड़े वाले को चलाए। तो गाइस चलते हैं बड़े वाले के पास एंड उसको ट्राई करते हैं यहाँ पर हम जो है उसको चला सकते हैं फिर नहीं। ये देखो गाइस इसके पास मैं आ चुका हूँ। एंड भाई अब मुझे क्या करना है, इसके बिल्कुल पास में जाना होगा ताकि इसमें बैठने का जो है ऑप्शन आ जाए। तो भाई देखो इसके पास मैं बिल्कुल यहाँ पर आ चुका हूँ। एंड गाइस यहाँ पर जो है मुझे इसका डोर वगैरह देखने को मिल चुका है। एक काम करते हैं इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं हमें क्या व्यू देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चीट कोड डायल करना है 1215। ये देखो अब क्या करना है गाइस, हमें डबल टैप कर देना है, अब जो अपना करैक्टर इसके ऊपर चढ़ जाएगा। देखो गाइस अपने एरोप्लेन के ऊपर जो है अपना करैक्टर चढ़ चुका है। एंड भाई देखो अभी मैं इसके बिल्कुल आगे था, लेकिन तब भी मुझे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिला इसके अंदर बैठने का। इसका मतलब ये है गाइस जो अभी ये बड़ा वाला एरोप्लेन है आप लोग जो है इसको नहीं चला सकते हो। लेकिन
लेकिन गाइज कोई बात नहीं, हम इसको नहीं चला सकते हो, तो क्या हुआ हम जो है जेसीबी को चला सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ जेसीबी का चीट कोड क्या है, लेकिन जैसे कि आप सबको बताए मैं पहले आप लोग को यहाँ पर पेट्रोल पंप का अपडेट बता देता हूँ, उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर जेसीबी का चीट कोड। तो गाइज आप सबको बताए अपने गेम में जो है जेसीबी क्रेन ऐड हो चुकी है, और भाई आप लोग जो है इतने ज्यादा कमेंट कर दे भाई जेसीबी को ऐड करवाइए, जेसीबी को ऐड करवाइए। तो गाइज फाइनली मैंने आप लोगों के लिए जो है जेसीबी क्रेन ऐड करवा दी है। तो जेसीबी क्रेन का चीट कोड है वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को उसका जो है यूज करके दिखा देता हूँ। ये देखो गाइज जो जेसीबी क्रेन है वो मैंने यहाँ पर ले ली है, और भाई जेसीबी क्रेन के अंदर बैठते हैं। देखो गाइज जो अपनी जेसीबी क्रेन है वो कुछ ऐसी है, एंड भाई देखो इसका बैठने का भी ऑप्शन कुछ अलग ही है। एंड देखो जिसमें जो फ्यूल है ना अपनी जेसीबी में कुछ इतना है, इतना फ्यूल है गाइज अपनी जेसीबी क्रेन में। एंड गाइज अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, गाइज देखो यहाँ पर कितने सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अब मुझे बताया आप लोग यही कमेंट करोगे भाई ये क्यों आ रहे हैं, इन कंट्रोल्स का हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम किसी व्हीकल को चलाते हैं तो हमें बस चार ऑप्शन की जरूरत है, एक बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड, एक लेफ्ट और एक राइट। लेकिन गाइज यहाँ पर देखो हमें बहुत सारे एरो वगैरह देखने को मिल जाते हैं, इससे क्या कर सकते हैं गाइज हम इससे जो है गाइज जो आगे का पार्ट है ना इससे ना कुछ भी व्हीकल को उठा सकते हो, जहाँ गाइज कोई भी व्हीकल को उठा के फेंक सकते हो। देखो गाइज इस फोटो में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो है एक कार को उठा दिया था और भाई उसको फेंक दिया, देखो पलट दिया। एंड गाइज देखो यहाँ पर जो है मैंने हॉर्स वगैरह को भी फेंक दिया है इस ऑप्शन की वजह से। तो भाई ये जो इसका आगे का पार्ट है ना और जो पीछे का पार्ट है आप लोग जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो इन सभी ऑप्शन की वजह से। तो गाइज ये सीन है इन कंट्रोल्स का, इसलिए आप लोगों को इतने सारे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं इसका कंट्रोल करने के। तो भाई इस बार के अपडेट में जो है सच में मजा आने वाला है, क्योंकि भाई जेसीबी फाइनली ऐड हो चुकी है। बात करते हैं इसका चीट कोड क्या है। गाइज देखो अभी जो है अपने गेम को जो है अपडेट नहीं आया है। जी हाँ गाइज अभी अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम को जो है अपडेट नहीं आया है, क्योंकि अभी जो है कुछ दिन पहले इसका अपडेट आया था। तो गाइज अब जो है इसका जो अपडेट है दोबारा आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड भाई फिर मैं आप लोगों को इसका चीट कोड भी बता दूंगा क्या चीट कोड है। गाइज इसका जो अपडेट है वो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाला है, नेक्स्ट मंथ मतलब फरवरी में अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है। एंड भाई बस कुछ ही दिनों में फरवरी जो है आने वाली है। तो गाइज उसमें क्या होने वाला है आप लोगों को जेसीबी क्रेन जो है देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसका चीट कोड क्या है। गाइज जेसीबी क्रेन का अगर मैं आप लोगों को चीट कोड बता दूं तो भाई वो फिर जो है वर्क नहीं करेगा। तो गाइज मैं सोच रहा हूं आप लोगों को जो है जेसीबी क्रेन का जो है चीट कोड नहीं बताता हूं, क्योंकि भाई अगर मैं आप लोगों को बता भी दूंगा तो फिर आप लोगों का जो है कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जो चीट कोड है वो वर्क नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी जो है इसमें अभी जो है अपडेट नहीं आया है गेम का, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है अभी जेसीबी क्रेन का चीट कोड नहीं बता रहा। लेकिन हाँ फ्यूचर में जरूर बताऊंगा, जैसे ही वो इसमें ऐड हो जाता, जैसे इस गेम को जो अपडेट आ जाता है तब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। तो अब बात करते हैं गाइज और क्या आने वाला है इसके न्यू अपडेट में। गाइज न्यू अपडेट में आप लोगों को निसान GTR कार भी देखने को मिलने वाली है। या गाइज निसान GTR कार भी इसके न्यू अपडेट में आने वाली है, क्योंकि जो अपना लास्ट अपडेट आया है उसमें सिर्फ एक ही कार आई है जो कि बुलेरो, और भाई जो बुलेरो है वो सुपर कार नहीं है। लेकिन गाइज आप लोग जो इतने टाइम से कमेंट कर रहे हो भाई हमारे लिए सुपर कार ऐड करवाइए, तो गाइज सुपर कार जो है वो आप लोगों के लिए निसान GTR कार ऐड की जा रही है। वो कैसी होती है उसका फोटो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाइज जो अपनी निसान GTR कार है ना वो कुछ अपनी ऐसी है, देख सकते हो आप लोग जो फोटो है इस फोटो में आप लोगों को दिख रही होगी निसान GTR कार जो कि बढ़िया लग रही है। तो गाइज ये कार जो है आप लोगों को अपडेट में देखने को मिलने वाली है, एंड ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, ये है अपनी सुपर कार। तो गाइज ये जो है आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिल जाएगी और आप लोग जो इसको ले पाओगे। इसका चीट कोड भी मैं आप लोगों को तभी बता दूंगा जैसे इस गेम का न्यू अपडेट आता है। तो ठीक है गाइज आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे। तो गाइज अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग जो है पेट्रोल पंप का यूज कैसे कर सकते हो। तो गाइज सबसे पहले मैं कहाँ चल रहा हूँ, हमें चल रहा हूँ पेट्रोल पंप पर। देखो वो रहा सामने पेट्रोल पंप, एंड भाई देखो मैं जो है यहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, एंड अभी मैं आप लोग को ट्राई करके दिखाता हूँ आप लोग जो है फ्यूल वगैरह कैसे डाल सकते हो इस पेट्रोल पंप में। देखो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, एंड भाई देखो अभी ट्राई करते हैं यहाँ पर फ्यूल वगैरह डालने की अपने इस पेट्रोल पंप में। तो चलते हैं गाइज यहाँ पर, मैं कुदा देता हूँ अपने कलेक्टर को यहाँ से ही। एंड भाई देखो मैं इसके पास आ चुका हूँ, एंड भाई यहाँ पर जो अपनी कावासाकी निंजा स्टोर है वो पहले से यहाँ पर स्पॉन हुई हुई है। इसका मतलब ये है गाइज जो अपना गेम है इसमें जो है अभी पेट्रोल पंप का ऑप्शन अभी ऐड नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है गाइज क्या पता इस वाले अपडेट में जो है पेट्रोल पंप भी वर्क करना स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए गाइज अगर आप लोग इसमें कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इस गेम के डेवलपर जो है इसमें इसका ऑप्शन भी ऐड कर देंगे पेट्रोल डालने का। तो ठीक है गाइज जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप लोग इस वाले अपडेट में ऐड करवाना चाहते हो पेट्रोल पंप का ऑप्शन, तो जल्दी मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला था, आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होगे, समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज आज की इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।